तो हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है लेच गेमिंग में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लाउड सर्वाइवल मैप के बारे में। तो इस मैप को मैंने बनाया है और आज के इस वीडियो में हम लोग यही चीज़ बात करेंगे कि इस मैप के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो इस मैप को मैंने बहुत पहले बनाया था लेकिन वीडियो नहीं बना पाया था, तो आज मैं इसका वीडियो बना रहा हूँ। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा ताकि हम और भी ऐसे वीडियो लाते रहे। तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो लेट्स स्टार्ट। आइए देखते हैं मजा आएगा। तो इस मैप में आप लोग सबसे पहले स्पॉन होंगे इस जगह पे, जहाँ पे एक ट्री होगा और एक ये चेस्ट होगा और चारों तरफ बादल होंगे। और इस चेस्ट के अंदर आपको कुछ सामान देखने को मिलेगा, जैसे कि स्टोन स्टिक्स, बोन मील, सैपलिंग्स और एक वाटर बकेट देखने को मिलेगा आपको। तो स्टोन का मैं आपको काम बताता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये जो बादल है इसके ऊपर आप लोग चल नहीं पाएंगे। जैसे ही आप लोग चलने की कोशिश करेंगे आप तुरंत नीचे गिर जाएंगे, क्योंकि ये बादल पाउडर स्नो का बना हुआ है। तो आपको नीचे गिरने से बचना है, इसीलिए आपको स्टोन का यूज करना है। आपको इस बादल पे नहीं चलना है, आपको यहाँ पे स्टोन लगा के इसे कहीं भी जाना है। और आपको सामने वो दिख रहा होगा जो कि एक स्पॉनर है और ये स्केल्टन का स्पॉनर है। यहाँ पर आपको एक चेस्ट भी देखने को मिलेगा और यहाँ आपको इस आइलैंड पर आपको एक और स्पॉनर देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक और स्पॉनर जो कि जॉम्बी का स्पॉनर है और सामने आपको एक पूल भी देखने को मिलेगा। ये पूल एक लावा पूल है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक डायमंड का ओर है, बहुत सारे डायमंड के ओर हैं। और यहाँ आपको मशरूम भी देखने को मिलेगा और सैंड जो कि आपके काम का आएंगे। और आपको वहाँ पर एक और आइलैंड देखने को मिलेगा जो कि एक माइन है। यहाँ पर आप लोग माइनिंग कर सकते हैं और बहुत सारे ओर्स ले सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत ही अलग अलग तरीके के ओर मिलेंगे, जैसे कि कोल, डायमंड, बहुत सारे कॉपर, बहुत सारे ओर हैं यहाँ पे, ये आपके काम आएंगे। और इसी माइन के बगल में आपको एक और चीज़ देखने को मिलेगा, ये ग्रास लैंड। आप देख सकते हैं ये ग्रास लैंड है, यहाँ पे बहुत सारे घास हैं। यहाँ पे आप लोग नीचे नहीं गिरेंगे, यहाँ पे बहुत सारे जानवर स्पॉन होंगे जो कि आपके काम में आएंगे। और आपको मैं एक और आइलैंड दिखाता हूँ जो आप सामने दिख रहा है। ये आइलैंड मेरा फेवरेट है। तो ये आइलैंड का नाम है विलेज आइलैंड, ये क्लाउड विलेज है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे घर हैं और यहाँ पे बहुत सारे आपको विलेजर भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पे क्रॉप्स भी हैं जहाँ से आप खाना ले सकते हैं। यहाँ पे आप विलेजर से ट्रेड कर सकते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं एक ये हनीकॉम्ब भी है और बहुत चीज़ें हैं यहाँ पे, जैसे कि ये गेहूँ भी है, आप इससे ब्रेड बना सकते हैं और इनको ब्रीड करवा सकते हैं। और मैं आपको एक लास्ट चीज़ दिखा देता हूँ, ये लास्ट आइलैंड है। ये चीज़ एक टेंपल जैसा है जो कि स्ट्रॉन्ग होल्ड टेम्पल, आप देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग होल्ड टेम्पल है, जैसा कि इसका नाम है। इसके अंदर आपको एक एंड पोर्टल देखने को मिलेगा जो कि आप देख सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक इलाका है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सल्कर्स हैं जो कि आपको हवा में उड़ा देंगे, उसके बाद आप गिरेंगे तुरंत मर जाएंगे। और यहाँ पर आपको बहुत सारे चेस्ट देखने को मिलेंगे और यहाँ पर एक एंड पोर्टल है, तो आपको इसे इग्नाइट करना होगा ताकि आप एंड में जा सके। उसके बाद आपको एंडर ड्रैगन को मारना होगा, उसके बाद ही आप इस गेम को बीट कर पाएंगे। तो यही करके आपको इस गेम को बीट करना होगा। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हम और भी ऐसे वीडियो लाते रहे। तो अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।